मुझे ऐसा लग रहा है बहुत मजेदार होने वाला है हमारा ट्रैकिंग। हम चारों ओर से रॉक के फॉर्मेशन में Hello everyone, welcome. Namaste. Namaskaram. This is Evan. This is Shashank. And together we're gonna explore Antharagange near Bangalore. So let's get started. Antargange, Karnataka ka Kolar district mein sthit hai, jo ki Bangalore se 78 km dur hai. इम्प्रेशन एज ऑफ नाउ, देखिए स्टेयर्स देखो कितना ऊपर था, यहाँ से सीधे ऊपर जाना है। एंड हमने करीब अभी 20-25 स्टेप्स चले होंगे। इस स्पीड से मेरा वेट कम तो हो ही जाएगा। फाइनली ऊपर चढ़ गए और आप देख सकते हो आजू बाजू बहुत सारे बंदर लोग हैं, तो संभाल के रहना। ये देखो इतने स्टेयर्स हम चढ़ के आए एंड फाइनली यहाँ हमें एक मंदिर मिला। एंड अभी हम 5 मिनट रेस्ट करेंगे एंड फिर और ऊपर चढ़ेंगे। सो ये वीडियो हम सोच रहे हैं कि हिंदी में बनाएं। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, इंग्लिश ज़्यादा अच्छा लगता है कि हिंदी। प्लीज़ नीचे कमेंट करिए एंड मेरे को बताइए। ये जो पॉइंट है, यहाँ से ट्रैकिंग हमारी स्टार्ट होती है, बट प्रॉब्लम ये है कि बस संडे को ट्रैकिंग अवेलेबल है ऑफिशियली, एंड बाकी दिन ये लोग इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबल कि हम जाएँ वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ये लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का भी इशू है एंड रॉबरी, हाँ रॉबरीज भी बहुत होती, सो वी हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि हम ही रिस्पॉन्सिबल है और हमने साइन करके भी दे दी वहाँ कि लाइक वी आर रिस्पॉन्सिबल अगर हमें कुछ होता है तो। यहाँ पाथ बहुत ही खतरनाक है, देख सकते हो पूरा ही रॉकी है एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आहा, अब ये रॉक चढ़नी है अपने को। ऐसे जगह पे आके ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ करनी चाहिए तूफानी, जो कि अभी हम लोग कर रहे हैं। तूफानी बहुत ज़्यादा स्टीप है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। हाँ एंड रेनी सीजन में बिल्कुल अलाउड नहीं है यहाँ पे आना, क्योंकि पूरे रोक है तो स्लिप होने का पूरा चांस है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका ट्रैकिंग हॉस्पिटल में जाके खत्म हो, इसलिए रेनी सीजन में भी केयरफुल। आपको बहुत अच्छा व्यू मिल सकता है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुपर्ब। ऐसे जगह पे आने का मजा ही ये है कि हम खुद नए जगह ढूंढ निकाले और ये नेचर का जो ब्यूटी है वो एक्सपीरियंस करें। ये एक रास्ता है रॉक के बीच में से, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत मजेदार होने वाला है हमारा ट्रैकिंग। हाँ, कुछ केव जैसा फॉर्मेशन है। आई थिंक रेनी सीजन के टाइम पे
वहाँ पे स्ट्रीम निकलती है फ्रेश वाटर की, बट काफ़ी छाया है। इतना ट्रैक करने के बाद थोड़ा और रेस्ट करने का इच्छा हो रहा है यहाँ पे, बहुत ठंडा है यहाँ पे। बाकी नॉर्मल टेम्परेचर के हिसाब से ये एरिया बहुत ज़्यादा कूल है और आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। हो सके तो घर से चादर वादर लेकर आइए और यही सो जाइए, यू विल एंजॉय इट। देखते हैं थोड़ा और अंदर जाके देखते हैं। ये रॉक फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हो और नीचे की तरफ और जा सकते हैं। थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं अंदर जाने का। हम चारों ओर से रॉक के फॉर्मेशन में देखो घिर चुके हैं। ये देखो, सुपर्ब। ऐसे एक्सप्लोर करने में अलग ही मजा है। समझ नहीं आ रहा हम कहाँ पहुंच रहे हैं, बट स्टिल ये एक्सप्लोरेशन में कुछ तूफानी मजा आ रहा है। तो यहाँ से स्ट्रीम जाता है शायद, हम गलत टाइम पे आए हैं बट इसलिए हम यहाँ अंदर घुस पा रहे हैं, नहीं तो ये पूरा गीला होगा उस टाइम पे। यहाँ से व्यू देखो, यहाँ से और अंदर जाने के लिए स्टोन्स नहीं है, नहीं तो और गए होते हम लोग। जितना डीप हो सकता है हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जाने दीजिए नहीं तो अगला ब्लॉग बन। चलो वापस चलते हैं अभी। सो अभी हम लोग टॉप पर आ गए हैं और अपने आप को रिचार्ज करने के लिए हम लोग नारियल पानी पी रहे हैं। एक छोटा सा विलेज है, वहाँ से हमें गाइड मिला, वो हमें ले जाएंगे दो केव्स। बोलते हैं यहाँ चीता वगैरह है तो इट्स बेटर यू ऑप्ट फॉर अ गाइड। यहाँ पे किसी भी लोकल गाइड को आप अपने साथ ले जा सकते हैं, फिर केव एक्सप्लोर कीजिए क्योंकि यहाँ पे चीता बहुत ज़्यादा है एंड मे बी हो सकता है कि आप इंकाउंटर करेंगे तो फिर फ्रिक आउट हो सकते हैं, तो इसलिए लेट्स सी आगे क्या मिलता है हमें देखने के लिए। टिल देन यहाँ से एकदम नैरो केव है और इसके अंदर से हम जाने वाले हैं, सो लेट्स गो। Thank you.
बहुत जोरदार चढ़ रहा है जी। You can do it. Finally, we managed to complete one cave. अभी हमारा next cave में जाना है, water cave. वहाँ पे इससे भी ज़्यादा tough रहेगा बोल रहे हैं. Let's see. मैं आपसे बस ये कहूँगा, जब भी आप ऐसे कोई नेचर ओरिएंटेड जगह पे जाते हो, मेक श्योर कि आप लोग प्लास्टिक लिटर ना करें, क्योंकि वी नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल रिगार्डिंग सेविंग आवर नेचर. बहुत ज़्यादा वैसे ही हमने वेस्ट फैला दी सिटीज़ में, कम से कम यहाँ पे तो भी हमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहना है, सो दैट थोड़ा बहुत अपने लिए बचे नेचर. Now we are entering into the next cave. इसको वाटर केव बोलते हैं, क्योंकि ये बोले हैं कि इसके अंदर झरना वगैरह है फ्रेश वाटर. सो कैसा होगा? यहाँ फ्रेश वाटर सोर्स है, लोकल वाटर भी, बिस्लरी भी कम पड़ता है इसमें. बहुत ठंडा है. एंड फाइनली सेकंड केव भी हो. वाटर केव में जाने के बाद आपको यकीन होगा हमें क्या मिला है. एकदम फ्रेश पानी. ये पानी ना, सच बताऊं तो बिस्लरी भी कम पड़ता है इसके लिए. एकदम फ्रेश और प्योर और बहुत स्वीटनेस है जो हमारे बिस्लरी में मिलता है ना, वो सब बस ऐसी है यार. पियो यहाँ आके और एंजॉय करो. सो हमारा ट्रैकिंग का सफ़र पूरा हुआ और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया. सो यहाँ पे आने के वैसे दो रास्ते हैं. एक, आप अंतरगंगे टेम्पल के सामने बाइक पार्क करके क्लाइंबिंग करके आ सकते हैं, जो कि अच्छा है, लेकिन यू विल एंजॉय इट. सेकेंड ऑप्शन इज, किसी को भी पूछिए दरगाह कहाँ पे है, एंड डायरेक्ट यहाँ पे कैंप में आके आप गाइड हायर करके ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट. केव के थ्रू ट्रैकिंग करना, इट वॉज अमेजिंग, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में इतना रेंगा नहीं जितना मैं आज वो वाटर केव से रेंगते हुए पार किया. इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. ऐसा मैं बोलूँगा कि आपको जरूर आना चाहिए एंड एक्सपीरियंस करना चाहिए. सो हमारा अंतरगंगे केव ट्रैकिंग पूरा हो गया. ये था हमारा गाइड, बस 16 साल का है नवीद. अगर आप यहाँ पे आते हो तो जरूर नवीद को कॉल कर लीजिए, या नंबर मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में. एंड इट वॉज़ फन. एंड जरूर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अगर ये वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हो तो डू लाइक माई फेसबुक पेज. Till the next video, bye-bye.